गाइस, आज मैं एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज मैं अपने दोस्त काशिफ शाह के साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, जो कि गांव से आए हैं कराची विज़िट करने के लिए। इसलिए आज मैंने सोचा कि अपने बहुत ही पुराने दोस्त काशिफ शाह के साथ ये वीडियो शूट करूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है काशिफ शाह। मैं आज अपने दोस्त अल्लाह के साथ आया हूँ, तो मेरे आप शूट करने के लिए। देखो कितना प्यारा, बहुत पीछे रही है मुझे आपकी किताब के लिए, आपने वीडियो बनाई है। तो इस आपको जो वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक भी करना, सब्सक्राइब भी करना और बहुत सारा प्यार। अस्सलाम वालेकुम। गाइस, मेरा मकसद था कि मैं यहाँ पे आके पानी के अंदर जाके वीडियो शूट करूँ, लेकिन यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे ख़तरा है कि मैं अंदर ना जाऊँ, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे वीडियो इसलिए मेरी ज़्यादा ब्लर नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ धूप है। मेरा मकसद पूरा तो नहीं हो सका, क्योंकि हम दो दरिया पे भी गए हैं, तो कुछ जगह ऐसी थी जहाँ पे रोक रहे थे, मना कर रहे थे, वहाँ पे जाने से मना कर रहे थे। इसलिए फिर मेरा इरादा बदल गया कि मैं सीवीओ पे आऊँ, आपको दिखा सकूँ कि ये मेरे बैक साइड पे बहुत प्यारा व्यू है। ये एक रिक्शे वाला आ रहा है, उसके अलावा मेरे सामने दो घोड़े वाले खड़े हुए हैं, जो कि बच्चों को बिठाते हैं, बच्चों को घुमाते हैं, इंजॉयमेंट करते हैं, उसके साथ सेल्फियाँ वगैरह लेते हैं। ये मेरे सामने कुछ दो लड़के जा रहे हैं, जो कि अपनी एक वीडियो शूट कर रहे हैं, टिकटॉक वगैरह कुछ ऐसा कुछ बना रहे हैं। और मेरे बिल्कुल बैक साइड पे आप देख सकते हो, आपको एक दीवार नज़र आ रही होगी। वो दीवार, ये जो सीवियों का पानी है, ये इस दीवार के साथ आज से तकरीबन 10 साल पहले इस दीवार के साथ टकराता था, लेकिन आज आप देख सकते हो कि इस दीवार से बिल्कुल पीछे जा चुका है ये पानी। और उसके अलावा वो कुछ लोग हैं जो मिट्टी वगैरह पे अपना नाम वगैरह लिख रहे हैं, इस तरह की वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम आपके सामने एक नई वीडियो लेके हाज़िर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। गाइस, आप देख सकते हो ये मेरे बैक साइड पे सीवीओ की का दरिया नज़र आ रहा है और बहुत ही प्यारा व्यू है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पानी जो है, आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो ये आप मेरे बैक साइड पे देख सकते हो, ये एक दीवार वगैरह है, गंडर सा बना हुआ है, तो यहाँ तक टकराता था। लेकिन जैसे जैसे साल ब साल आगे चलता जा रहा है, तो ये पानी जो बिल्कुल पीछे चला जा रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये रब की कुदरत होती है कि रब, आप देख सकते हो कि ये मेरा एक दोस्त है जो हरिपुर हज़ारे से कराची आया हुआ है किसी प्रोग्राम के लिए, लेकिन आज इसने मुझे बोला कि यार आज चलते हैं यहाँ पे एक वीडियो शूट करते हैं, सीवीओ पे बहुत प्यारा व्यू होगा, इसलिए मैं आज इसके साथ आया हूँ यहाँ पे एक वीडियो शूट करने के लिए। आप देख सकते हो कि ये बहुत सारे लोग हैं जो इंजॉयमेंट वगैरह कर रहे हैं, कुछ लोग टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं। वो मेरे एक दूर थोड़ा सा नज़र आ रहा है घोड़े वाला, वो घोड़ा घुमा रहा है। और ये कुछ फैमिलीज़ वगैरह जा रही हैं छोटे छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, संडे के दिन ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पे जाएं और बच्चों को भी साथ लेके जाएं, बच्चे भी इंजॉय करें और हम लोग खुद भी इंजॉय करें। तो इसलिए बच्चों को भी ऐसी जगह पे लेके आए करो, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आते हैं, बच्चे खुश होते हैं, खुला माहौल देखते हैं। सब दोस्तों देख सकते हो कि मेरे सामने कुछ लोग हैं जो फिशिंग का शिकार वगैरह कर रहे हैं, फ़िश पकड़ रहे हैं। और मेरे दूर आप देख सकते हो कि 5-6 तकरीबन बोट वगैरह चल रही हैं, बोटिंग वगैरह लोग उस पर इंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही प्यारा व्यू है आज दो दरिया का, आप देख सकते हो। ये सारा व्यू मैं आपको दिखा रहा हूँ,
और ये कुछ लोग सेल्फियाँ वगैरह ले रहे हैं, कुछ टिकटॉक वगैरह बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको नई वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो। आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ, जो कि मैं आज अपनी वीडियो दो दरिया पे बना रहा हूँ। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे, इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बहुत सारा प्यार दो। देख सकते हो कि ये पीछे कुछ गाड़ियां वगैरह चल रही हैं, रोड चल रहे हैं, लेकिन आज से अगर आप 10 साल पीछे जाएं तो यहाँ पे पूरा जंगल ही जंगल था, लेकिन अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2021 आया तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी बढ़ गई है, बहुत अच्छे रोड बन गए हैं, यहाँ पे लोग आराम सुकून से आ रहे हैं। लेकिन पहले जो आते थे बहुत मुश्किल होता था, कच्चा रोड होता था और यहाँ पर पूरा जंगल ही जंगल था, लेकिन अब यहाँ पर आबादी बढ़ गई है, इसलिए बहुत ही प्यारी जगह हो गई है, यहाँ रोड बन गया है। इसके अलावा लोग आते हैं, अपनी तस्वीरें वगैरह बनाते हैं। मेरे बैक साइड पे एक नर्सरी है, जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के प्लांट हैं, पौधे हैं, बहुत प्यारे फूल हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ हाज़र होऊंगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दो। और अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बहुत सारा प्यार दो।